Hey, what's up guys? सारे सर्शिकल मेरी तरफ तो मैं थोड़ा अपनी चैनल विकी की में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम करने वाले हैं कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं मतलब ये मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। तो आज मैं करने वाला हूँ फ्राई पैन पे चाय बनाने वाला हूँ तो फ्राई पैन पे चाय कैसे बनती है बैचलर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो क्योंकि मेरे पास ना वो बर्तन ही है जो इंडक्शन के ऊपर वो चाय बनाने वाला जो होता है ना वो नहीं है, तो फ्राई पैन है इसके ऊपर ही हम बनाएंगे चाय। तो चलो देखते हैं कि चाय कैसे बनती है। वैसे चाय अच्छी बनती होती है तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर फ्राई पैन में चाय बनानी होती है तो कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंडक्शन को ऑन कर लिया। इंडक्शन को थोड़ी 2 मिनट्स के लिए ना मतलब हम ये करेंगे कि गर्म होने देंगे। दोस्तों अभी मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें डालूंगा चीनी और चाय पत्ती। तो चीनी मेरी कहाँ से है? ओके, ये मेरी चीनी है तो चीनी हम डालते हैं 1-2 कप मैं बना रहा हूँ, ठीक है? एक मेरी और मेरे एक फ्रेंड। तो देखो यार आपकी वीडियो बनानी है तो चीनी का एस्टिमेट मैं ऐसे डालने लगा हूँ एस्टिमेट के हिसाब से। इतनी ज़्यादा ना हो जाए भाई, ठीक ये इतनी ना पड़ेगी, एस्टिमेट रहता है, ठीक है? ये हो गया। अब चाय पत्ती है, अब मैंने इनको कहीं से पैकेट में डाला है। और चाय है ये वाली, कौन सी है? कड़क चाय, ठीक है? ताज़ा चाय जो मतलब आया जाता है ना ताज़ा वो लोग, इसको हम ना ज़्यादा ना डाले भगवान क्योंकि ज़्यादा पैकेट ज़्यादा फटा हुआ है, गड़बड़ हो जाएगा ना ज़्यादा पड़ती। अब देखो दोस्तों रंग इसका चेंज होने लग पड़ा है, ठीक है हो रहा है ना। अब इसको हम थोड़ी देर तक गर्म होने देंगे और उसके बाद देखते हैं चाय बनती है नहीं। और दूध मेरा दूध दिखाता हूँ, ये पैकेट में दूध लाया। तो अब 2 बंदों की चाय चाहिए, बाकी अगर ज़्यादा लगा और फ्रिज नहीं है मेरे पास तो वो ख़राब हो सकता है, तो इसलिए मैं इसमें चाय में डालूंगा दूध। देखते हैं चाय बनती कैसी है। रुक जाओ अभी गर्म। अरे मेरे पास तो अदरक भी है, अदरक यस मजा आएगा। अभी इसको कूट के इसमें यस। अरे जुगाड़ी बंदा हूँ मैं, जुगाड़ दो थे मेरे पास। तो दोस्तों जो पेरेंट्स हैं जो सारे देख रहे हैं तो देख लो, आप लोग बोलते हो कि बच्चे लोग स्ट्रगल नहीं करते, बच्चे लोग बहुत स्ट्रगल करते होते हैं। तो जब बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने या कहीं पे भी जॉब करने तो माँ बाप सोचते हैं हाय हमारा बच्चा बिगड़ तो नहीं रहा कहीं, क्या पता हमारा बच्चा कुछ गलत संगत में तो नहीं है। तो मेरी सलाह माने तो एक काम करें, उसको एक इंडिपेंडेंट रूम खरीद के दें जिसमें इंडक्शन सारा कुछ हो, बंदा खुद काम करेगा और मजबूर होके वो सीखेगा ये सर के लिए, और सीखेगा तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लगेगी। तो पेरेंट्स प्लीज़ ये चीज़ याद रखना। और लड़के एक्चुअली क्या होते हैं, लड़के जो बाहर रहते हैं ना उनको पता होता है, वो उनको स्टार्टिंग से फ्लो बना होता है कि खाना बनाना है, ठीक है ये सारी चीज़ें करनी है। अब लड़के बेचारे लाड प्यार में रहते हैं तो उनको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। अरे क्या मिल गया मेरा, यस। अब देखें रंग बदल रहा है तो मैंने अदरक भी डाल दिया है, दूध डाल दूँ ना ये सारा, समझ नहीं आ रहा। Yes.
देखो वीडियो बनानी कितनी मुश्किल होती है दोस्तों, एक हाथ से काम करना पड़ जाता है। अब कलर देखो आप चाय का, यस अब मजेदार बनेगी चाय, देखते हैं। लेट्स सी, जब तक चाय हमारी रंग बदल रही है तो हम कुछ बात बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मतलब ये ना बैचलर लाइफ बहुत मजेदार लाइफ होती है, जब आपको आराम से 60-30 महीने लग जाती है ना तो आप सोचते हैं कि यार क्या ठीक है इंजॉय है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब खुद बनाना पड़ता है ना तो एक्साइटमेंट हो जाती है लाइफ में, मजा आने लग जाता है, इंजॉय होने लग जाता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें सीखें और ना और कुछ कुछ बनाए करें, कुछ एक्सपेरिमेंट करा करें। चाय हमारी रंग बदल रही है, दिखा दूँ मैं आपको कि हमारी चाय कैसी होगी, मजेदार होने वाली है कि नहीं है, उसको पीने के बाद पता लगेगा कैसी है। तो दोस्तों बन गई है मेरी चाय, तो अभी चाय को हम डालेंगे इसमें। ये मेरे दोस्त और मेरे चलो अभी हम पूछेंगे अपने दोस्त से कि चाय कैसे बनी है, ठीक है। मिस्टर गुरबीर प्लीज टेस्ट करें जो चाय, बताएं कैसे बनी है। फ्राई पैन चाय, मुंह फूंक लो ना, नहीं मैं मुंह फूंक लो, नहीं मैं एक फूंक रहा, एक 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 चुस्की लेके बता। फ्राई पैन चाय मैं छन्नी कहां है, फ्राई पैन में चाय, भाई छन्नी बनी ना करता है कुछ। मैंने दिखा दी उनको कि छन्नी नहीं है हमारे पास, हम देसी तरीके से चाय बनाते हैं। और टेस्ट बताओ, आहा मजा आया।